चलिए दोस्तों, फाइनली इंतजार खत्म हुआ। रेलवे का एग्जाम डेट ऑफिशियली जारी हो चुका है। अभी हम आप लोग को ये नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं, जिस नोटिफिकेशन में हमारे पास साथियों आप लोगों को एएलपी का एग्जाम डेट, टेक्नीशियन का एग्जाम डेट, आरपीएफ का एग्जाम डेट और साथ ही साथ में आरआरबी जेई के भी एग्जाम डेट के बारे में टोटल आप लोग की मेंशन कर दी गई है। टाइम बहुत कम दिया जा रहा है हमारे प्यारे साथियों, टाइम बहुत ही कम मिलने वाला है आप लोगों को, क्योंकि साल 2024 में ही आप लोगों का सारा एग्जाम को खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के सबसे पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर हम लोग का कब जो है कौन सा एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसे ऐसे धाराधार जैसे भी अपडेट आता है रेलवे की तरफ से हम सारी अपडेट देने की कोशिश करते रहते हैं। तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, सबसे पहले यही वो नोटिस जारी हुआ है, ये अभी अभी एकदम रिसेंटली में आप लोग को ये नोटिस जारी हुआ है और इसमें आप लोग देख सकते हैं सीएन 1/2024। हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग जो है इसको आसानी से देख सके, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो। चलिए अब आप लोग देख रहे होंगे, इधर तो एक फेक नोटिस भी शायद वायरल हुआ था ना, वो बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा था, मैंने मगर उस टॉपिक पर वीडियो ही नहीं बनाया क्योंकि वो फेक था 100%, वो दिख रहा था ऐसे ही, उसमें टेक्नीशियन का वर्ड भी गलत मेंशन किया गया था। आइए चलिए यहां पर जो हम लोग देख लेते हैं, देखिए सीएन 1/2024 यानी कि एएलपी की एग्जाम डेट के बारे में मेंशन किया गया है, जो आप लोग की 25/11/2024 से लेकर के 29/11/2024 तक चलने वाली है। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले तो ये अभी हम लोग का चल रहा है अक्टूबर, यानी कि दसवां महीना और नेक्स्ट मंथ में 11वें महीने में आप लोगों की एएलपी की यहां पर एग्जाम को जो है फाइनल कर दिया गया है। यानी कि नवंबर में आप लोग का एग्जाम होगा, 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक सीबीटी 1 का आप लोग का एग्जाम क्लियर करा लिया जाएगा। जैसे ही एएलपी का एग्जाम दोस्तों खत्म होता है उसके बाद हम लोग को देखने को मिल जाता है आरपीएफ का। देखिए आरपीएफ एसआई का हम लोग को उसके पास देखने को मिल जाएगा, आरपीएफ कांस्टेबल का मेंशन नहीं है, ध्यान में रखना है आरपीएफ कांस्टेबल का यहां पर मेंशन नहीं है, आरपीएफ एसआई का मेंशन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम है 2/12/2024 से लेकर के 5/12/2024 यानी कि पूरे आप लोगों की यहां पर जो है नवंबर में ये खत्म हुआ एलपी का एग्जाम, उसके बाद जो है आप लोगों की कब में दोस्तों, तो दिसंबर स्टार्टिंग में आप लोगों की एग्जाम होंगी आरपीएफ एसआई की। आरपीएफ कांस्टेबल का यहां पर मेंशन नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए प्यारे साथियों। चलिए अब आगे बढ़ देते हैं, हम लोग देखते हैं कि टेक्नीशियन का एग्जाम डेट कब होगा और उसके बाद आरआरबी जेई का एग्जाम डेट कब होगा। तो ये दोनों को अभी हम लोग जो है ना, इन दोनों को थोड़ा अच्छी प्रकार से आप लोग को अभी हम समझाएंगे, मगर उससे पहले दोस्तों देखिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम आप लोग को समझा दें। एग्जाम डेट आ चुका है, टाइम बहुत कम है, प्रिपरेशन करना है शॉर्ट टाइम में और आप लोग को बहुत ही मजबूत प्रिपरेशन करना है, तो आप लोग धड़ाधड़ दोस्तों लेट मत करिए और नोट्स को लेकर के प्रिपरेशन करिए। देखिए हम कौन नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को हम यहां पर जीएस का स्पेशल एक नोट्स बनाए हुए हैं जिससे कि आप लोग का 40 नंबर एकदम कवर होगा, इतना हम एकदम गारंटी देंगे दोस्तों। देखिए इसको आप जो वन लाइनर देंगे ना, 40 नंबर आप लोग का एकदम जीएस कवर, इतना दिमाग में बैठाइए, टाइम बहुत कम है। अगर आप लोग तैयारी नहीं किए हैं तो भैया तैयारी एकदम धड़ाधड़ आप लोग को लग जाना है। आइए देखिए सैंपल देखिए थोड़ा सा जो आप लोग के लिए हम यहां पर मेनली बनाए हैं, उसके बाद टेक्नीशियन और जेई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हम आप लोग को बतलाने वाले हैं, एग्जाम डेट भी बतलाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी इन दोनों के वैकेंसी के रिगार्डिंग बतलाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। आइए देखिए सबसे पहले जीएस में आप लोग को हम क्वेश्चन दिखला देंगे किस प्रकार का हम आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। देखिए यहां पर जैसे क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटोनों की संख्या होती है, तो दोस्तों यहां पर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। देखिए यहीं पर आप लोग का मेंशन भी किया गया है कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्या होता है ना कि बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम होता है कि भैया प्रैक्टिस सेट में नीचे आंसर आता है, हमको याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो यहां से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का समरूप पे कौन है, तो इलेक्ट्रॉन का समरूप दोस्तों यहां पर है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, अल्फा कण। ऐसे ही आप लोगों को टोटल जो है 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चन स्पेशल जीएस के लिए मैंने उपलब्ध कराया हुआ है। जीएस का अगर ये आप लोग 5000 क्वेश्चन रट जाते हैं ना, तो आप लोग के लिए पूरा का पूरा हेल्प करेगा एग्जाम को क्रैक करने में दोस्तों। ये तो हो गया आप लोगों के लिए जो जीएस स्पेशल बनाया है, मगर सेकंड नंबर ये भी आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। देखिए वन लाइनर सभी एग्जाम के लिए, वन लाइनर जीएस स्पेशल ये रेलवे के सभी एग्जाम में काम आने वाला है। देखिए वन लाइनर किस प्रकार का,
तो मैंने थ्योरी को तोड़ करके ऑनलाइन में दोस्तों कन्वर्ट कर दिया है, इससे प्रॉफिट क्या होने वाला है, तो देखिए आसानी से आप लोग इसको एक एक लाइन में बस पढ़िएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम में ऑप्शन दिखेगा फटाक से आंसर मार दिया। जैसे क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक है, सही जवाब एकदम आप लोग का ऑप्शन नंबर सही जवाब एकदम आप लोग के सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए पानी का क्वथनांक बिंदु है तो 100 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन नंबर आप लोग को बस एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा ना कि पानी का क्वथनांक बिंदु है, ऑप्शन में दिखा कि 100 डिग्री सेल्सियस, फटाक से ध्यान पड़ेगा कि हम ये पढ़े हुए थे 100 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब होगा। दोस्तों यहां पर देखिए रेफ्रिजरेटर सिद्धांत पर काम करता है तो कौन सा होगा दोस्तों, वाष्पीकरण होगा। इसी प्रकार सभी आप लोग के क्वेश्चन और सामने एकदम जो है आंसर देखने को मिलेगा, और उस क्वेश्चन से उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रेलवे में एग्जाम पूछे गए हैं वो भी आप लोग को भी सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप लोग ये सारे नोट्स को ले लेते हैं तो आप लोग का एग्जाम करना बहुत ही आसान हो जाएगा, एकदम आसानी से आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जीएस स्पेशल वन लाइनर, और ये देखिए सभी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को प्रोवाइड कराने हैं। क्वेश्चन कितना रहेगा दोस्तों, तो 24,000 से भी ज्यादा हम आप लोग को क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराने वाले हैं यहां पर। जैसे ये रहा जीके, ये रीजनिंग, ये मैथ, ये है आप लोग के लिए स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में रेलवे से संबंधित बहुत ही ज्यादा आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आप लोग के एग्जाम में एकदम 100% लड़ने वाला है। तो अगर आप लोग ये तीनों प्रकार का नोट्स लेना चाहते हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, शॉर्ट टर्म में अपने एग्जाम को निकालने के लिए, तो आप लोगों को करना क्या होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा। ये रेलवे के सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, आरआरबीजेई हो, सभी एग्जाम के लिए काम आएंगे। ऑल सब्जेक्ट का फुल नोट्स देंगे दोस्तों आप लोग को 7870141238। आप लोग को इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप करने के बाद आप लोग को जो है इस नंबर पर कहना है कि भैया हमें तीनों प्रकार का कॉम्बो पैक दे दीजिए। तीनों प्रकार के फुल कॉम्बो सेट जो है दोस्तों आप लोग को मात्र 89 रुपीज में दिया जाएगा, मात्र 89 रुपीज में आप लोग जो है आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे समझ लेते हैं, यहाँ पर एएलपी और आरपीएफ का तो हम लोगों ने बात कर लिया, अब यहाँ पर बात करते हैं कि टेक्नीशियन जिसका अभी रिसेंटली में फॉर्म अप्लाई हो रहा है, करंट में भी ये फॉर्म अप्लाई अभी चल ही रहा है, हालांकि अभी चल रहा है, पहले भी फॉर्म को अप्लाई हुआ था, मगर भी इतना जल्दी कैसे यहाँ पर जो है एग्जाम डेट दे दिया। सबसे बड़ा सोचने वाला बात यह है, हमें जहां तक डाउट है यहाँ पर ये एग्जाम डेट जो है आप लोग का टेक्नीशियन का ये रुकने वाला है, ये हम कन्फर्म है कि ये आप लोग का टेक्नीशियन का एग्जाम अभी नहीं होगा, इतना हम कन्फर्म है। भैया आप लोग एक बात सिंपल सा बताइए, अभी एग्जाम का फॉर्म आप लोग का जो है अभी आप लोग का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, एक महीने के अंदर में कौन स्टूडेंट तैयारी करेगा भैया, 5 साल के बाद वैकेंसी आया, यहाँ पर दोबारा मौका मिला दोस्तों बहुत सारे भाइयों को कि हाँ वो लोग जो है आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मगर एक महीने में वो लोग कैसे तैयारी करेंगे, कहाँ से कहाँ गया है रेलवे का दिमाग, भैया कहाँ पर घूमने गया है क्या। टेक्नीशियन का एग्जाम एकदम कन्फर्म है भैया, किसी भी सूरत में आप लोग को यहाँ पर डिले कराना होगा, वरना प्रॉब्लम होने वाली है, आप लोग का यहाँ पर एग्जाम का तैयारी नहीं हो पाएगा। अगर फिर भी जो है अपनी तरफ से कोशिश किए हैं कि नोट्स में आप लोग को कवर करा दे, अगर पढ़ना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, एक महीने में काफी कुछ कवर कर सकते हैं, मगर दोस्तों एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम क्रैक किसी के भैया बाप के हाथ में नहीं है कि एक महीने में कोई आपका एग्जाम क्रैक करा दे, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो टेक्नीशियन का वैसे मेंशन है जो हम आप लोग को बता दे रहे हैं, 6/12/2024 से लेकर के 26/12/2024 में नेक्स्ट मंथ में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन का यहाँ पर मेंशन किया गया है। मगर मेरे देखने से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नीशियन के एग्जाम को डेट को अभी बढ़ाना चाहिए, अभी इसका नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भी अभी इसका फॉर्म अप्लाई चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आरआरबी जेई एंड अदर्स, जेई एंड अदर्स, देखिए दोस्तों अदर्स में आप लोग का पारा मेडिकल आ सकता है, अदर्स में जो यहाँ पर दिया गया है, हम इसीलिए बोले ना कि इन दोनों टॉपिक पर हम लोग लास्ट में बात करेंगे, ये जो अदर्स में है यहाँ पर आप लोग का पारा मेडिकल का एग्जाम आ सकता है दोस्तों, जैसे स्टाफ नर्स का आया हुआ था ना, फील्ड वर्कर का आया हुआ था, ये सारे एग्जाम अदर्स में आप लोग के आ सकते हैं, जो कि हो सकता है कि जेई का एग्जाम लेने के बाद आप लोग की एग्जाम ले लें, ठीक है। तो 6/12/2024 से लेकर के 13/12/2024 तक आप लोग की यहाँ पर एग्जाम चलने वाली है, यहाँ पर सीबीटी 1 की, आरआरबीजेई की। आप लोग एक चीज नोटिस किए यहाँ पर मेंशन क्या है, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें हम बता रहे हैं जो आप लोग अभी तक नोटिस नहीं किए होंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 7870141238 आप लोग को व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप करके भैया बोलना है कि भैया हमें तीनों कॉम्बो पैक दीजिए ताकि हम लोग रेलवे के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो आप लोग को मात्र 89 रुपीज में फुल सेट दिया जाएगा दोस्तों। चलिए आप लोग ले लिए, अब इसको देखिए हम थोड़ा सा आप लोग को जूम कर रहे हैं, पहले हम जूम करना चाहेंगे ताकि आप लोग आसानी से देख पाए। देखिए यहाँ पर मेंशन क्या किया गया है, जो जेई एंड अदर्स है ना, जेई एंड अदर्स ये 6/12/2024 को है, और जो टेक्नीशियन है ये 16/12/2024, यानी कि जेई वाला एग्जाम पहले होने वाला है दोस्तों, ठीक है। एएलपी का आप लोग का सबसे पहले होगा, सेकंड नंबर पर आप लोग की होगी आरपीएफ एसआई की एग्जाम, थर्ड नंबर पर आप लोग की होगी आरआरबी जेई की एग्जाम,
चौथे नंबर पर होगी आप लोग की टेक्नीशियन की एग्जाम, ठीक है। हालांकि मेरे देखने से टेक्नीशियन के अभी एग्जाम को रुकना चाहिए, क्योंकि भैया टाइम बहुत कम मिला है अभी बच्चों को जो अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। चलिए दोस्त, जो भी इन्फॉर्मेशन था आप लोग को दिए, अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग ऐसे ही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइए। कोई मन में क्यूरी है, कोई डाउट है, कमेंट करिए, आप लोग को हम रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।